अच्छा हाँ जी खबर कांग्रेसी हाँ गुप्ती चोट लगानी है। अच्छा आप कांग्रेसी हो और ये बीजेपी का है। इनका कौन आने वाला है? बीजेपी आओगी जी, मोदी सरकार बीजेपी आओगी। बीजेपी में सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु हाँ जी। उससे मजबूत कोई नहीं? नहीं कोई नहीं। मतलब कुछ करवा रखे है, कुछ काम कर सारे काम करवा रखे जी। हमारे गांव में तो स्कूल ऐसा बनवा रखा है, हरियाणा में एक भी स्कूल नहीं है। अच्छा जी जो अपने सरकारी बिल्डिंग है स्कूल की पूरा जिला में शहर में पहली बिल्डिंग ऐसी है जो मतलब नंबर वन है, 4.5 करोड़ की बनी है। अच्छा। और इसका क्रेडिट किसको है? कैप्टन अभिमन्यु को। कैप्टन अभिमन्यु बिल्कुल काम करवाए हैं लड़के। काम तो जी खूब कराए, फिर लोगों ने एक बार राय दिया, गलती थी लोगों की ये गलती। लड़का गलती सुधारेगा? अगर गलती बिल्कुल सुधारेगा, पछतावा हो रहा लोगों का तो खूब पछतावा है। अब कैप्टन अभिमन्यु को आकर हमने सबसे बड़ी गलती ये करी। अच्छा तो इनका सपोर्ट मिलेगा लोकसभा में? बहुत आसान तरीके से जीता कैप्टन अभिमन्यु। अच्छा हिसार लोकसभा का गांव बैणी अमीरपुर, इस गांव में फिलहाल मौजूद हूँ। और भाई न्यू देखने खातर आए हैं कि गांव में माहौल के है, हवा कौन सी पार्टी की है और दबदबा कौन से चेहरे का है। तो भाई ये गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जवान हैं, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। और भाई जब बोलने वाले आगे बैठे हैं, ना बोलने वाले वो पीछे जाके खड़े हैं, वो एक बार देख लो भाई आड़े खड़े थे लेकिन दिख दे उड़े न्यू बाजे। अच्छा हाँ जी खबर कांग्रेसी हाँ गुप्ती चोट लगानी है। अच्छा आप कांग्रेसी हो? हाँ ये बीजेपी का है। आगे ना आगे बोलो, इतनी दूर आवाज को ना आती, आगे ना हो। हाँ जी ये राज सिंह बीजेपी का है, हम कांग्रेसी हैं। अच्छा हाँ तो मतलब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रही गांव में? हाँ इसको बढ़िया तो होंगे बीजेपी को। हाँ बीजेपी दोगे। चलो एक एक करके शुरुआत, आप आ जाओ ना आ जाओ, भाई शुरुआत करांगे। नो बताओ इनका कौन आने वाला है? बीजेपी आओगी जी, मोदी सरकार। बीजेपी आओगी तो कम है कांग्रेस आओगी? नहीं नहीं कांग्रेस को, कांग्रेस की आपसी फूट लेके उतरेगी? नहीं कोई फूट नहीं हमारे पास, हमारे में कोई फूट नहीं। कांग्रेस के 15 कैंडिडेट है, वो आपस में टांग खींचेंगे और आए बार यही बनता है तो आपसी फूट के कारण नहीं कांग्रेस के एक भी सीट। कांग्रेस तो कांग्रेस तो आएगी, ये तो बेकाबू माल है, पैसा फेंकते हैं और जुबान से कुछ भी कुआ लो। अच्छा हाँ तो इन्हें पैसा फेंक रहा क्या इंदौर? हमारी तो वोट की मार है ना, 1 करोड़ रुपया लिया आप इंदौर, इल्जाम बड़ा लग गया है। यू भी मान ले मेरा है वोटर है, ये तो हमारे वोटर नहीं है, हम कांग्रेस के हैं। अच्छा अच्छा यू बताओ अब बीजेपी में सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है? कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु हाँ जी। उससे मजबूत कोई नहीं? नहीं कोई नहीं। मतलब कुछ करवा रखे है, कुछ काम कर सारे काम करवा रखे है जी। हमारे गाँव में तो स्कूल ऐसा बनवा रखा है, हरियाणा में एक भी स्कूल नहीं है। जो अपने सरकारी बिल्डिंग है स्कूल की पूरा जिला में शहर में पहली बिल्डिंग ऐसी है जो मतलब नंबर वन है, 4.5 करोड़ की बनी है। हाँ। और इसका क्रेडिट किसको है? कैप्टन अभिमन्यु को। कैप्टन अभिमन्यु बिल्कुल काम करवाए हैं लड़के। काम तो जी खूब कराए, फिर लोगों ने एक बार राय दिया, गलती थी लोगों की ये गलती। लड़का गलती सुधारेगा? अगर गलती बिल्कुल सुधारेगा, पछतावा हो रहा लोगों का तो खूब पछतावा है। अब कैप्टन अभिमन्यु को आकर हमने सबसे बड़ी गलती ये करी। अच्छा तो इनका सपोर्ट मिलेगा लोकसभा में? बहुत आसान तरीके से जीता कैप्टन अभिमन्यु। अच्छा हाँ जी कांग्रेस के सपोर्टर हो, कांग्रेस का चेहरा कौन आना चाहिए? कोई भी आ जाओ वो ही पार है, जीते हुआ है। कोई का नाम कोई कोई भी आ जाओ, कोई भी कांग्रेस में तो इस बात की कोई बात ही दिखती नहीं है। अच्छा। हाँ तो कांग्रेस का ये पहलवान न लिया हो तो? नहीं नहीं ऐसे थोड़ा और कैंडिडेट के बाद। हाँ कोई भी कोई नाम कोई भाई कोई बंदा घूम के तो सारे बढ़िया कैंडिडेट है, कोई भी आ जाओ। रिजेक्ट जय प्रकाश को यहाँ से रिजेक्ट करके भेज दिया था कलायत को, तो उसका रुझान कौन सी तरीके से बनागा? कोई तरीका नहीं उसका। यहाँ पर तो कांग्रेस का कोई कैंडिडेट अभी तक कोई निश्चित ही नहीं, वो आदमी चुनाव लड़ेगा। जय प्रकाश तो पहले रिजेक्ट कर दिया इशार ने, तो क्यों पहले वो राजनीति कर चुके हैं आगे। लोगों ने विश्वास है उस पर देख लिया, जिसका काम को कुछ नहीं करे सिर्फ सहबासी सहबासी। अच्छा बीजेपी की बात आप कर रहे हो तो बीजेपी में क्या लगे हैं? ये और भी जिस तरह कई चेहरे हैं जो फिलहाल मौजूदा सांसद यहाँ से हैं, ब्रिजेंद्र सिंह जी हैं, तो उनका कोई हल्का में कोई नाम है? देखो ब्रजेंद्र जी का उसके पिताजी की वजह से राजनीति में बच्चा कद है और उसका बेनिफिट उसको मिला भी है। अगर उसके बाद अगर कैप्टन अभिमन्यु भी आते हैं तो उसको भी यही जीत
लाखों से जीतो भाई। बात एमपी की टिकट का है। हाँ, एमपी की टिकट किसकी? चाहे विजेंद्र ले आओ या कैप्टन अभिनव ले आओ, अच्छा दोनों लाखों से जीतेंगे। तो भाई आम जनता का क्या कहना है कि बीजेपी की हिसार लोकसभा की टिकट किसने मिलनी चाहिए? पूरा तो एरिया तो चाहो कैप्टन अभिनव ने मिल जाए, अच्छा जो नानंद का एरिया तो चाहो हिसार का चाहो है। हाँ जी, किसने सपोर्ट करोगी? कांग्रेस की है जी। कांग्रेस की है? हाँ जी। कैंडिडेट कौन होना चाहिए? जयप्रकाश है जी, आपने इशारे दो। जयप्रकाश हाँ। और टक्कर कौन देश के है? टक्कर देश की जयप्रकाश क्लियर जीत रहे। अच्छा हाँ। नहीं फिर भी टक्कर मतलब भाई इसका के लो कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन तो को गुड़ागा नहीं तो उससे गेट देगा यू। अच्छा हाँ। चलो तो भाई ये फिलहाल जो है हिसार लोकसभा के गांव के सर्वे आप देखने लग रहे हो और खैर सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा। लगातार जो ही हर गांव की रिपोर्ट हमने दिखाते रहो आगे। जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ से। राम राम।